दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक एसिडिटी के सिरप की जिसका नाम है पैन एमपीएस ओरल सस्पेंशन की जो मिंट फ्लेवर सुगर फ्री में आता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस सस्पेंशन के फायदे क्या है और नुकसान क्या है और भी बहुत कुछ आगे वीडियो में जानेंगे। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस सिरप में कौन कौन से कंटेंट्स हैं और उनके काम क्या है, जिसमें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, डाइमेथिकोन और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एक इनऑर्गेनिक साल्ट है जो पेट में मौजूद अतिरिक्त एसिड को खत्म करता है। डाइमेथिकोन एक एंटी फोमिंग दवा है जो गैस को अलग करता है और गैस को आसानी से पास होने देता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक लैक्सेटिव है जो ऑस्मोसिस द्वारा आंत में पानी लाने का काम करता है। अब हम बात करेंगे पैन एमपीएस ओरल सस्पेंशन के मुख्य इस्तेमाल की, जिसमें एसिडिटी, सीने में जलन, पेट का अल्सर। सबसे पहले हम बात करेंगे एसिडिटी की, जिसमें अपनी दवा पैन एमपीएस ओरल सस्पेंशन मिंट शुगर फ्री आपके पेट में ज्यादा एसिडिटी से राहत देता है जो सीने में जलन और अपच को रोकता है। आमतौर पर आपकी स्थिति को सुधारने के लिए इसका इस्तेमाल अन्य दवाओं के साथ किया जाता है। अब हम बात करेंगे सीने में जलन। सीने में महसूस होने वाला जलन का अनुभव है जो पेट का खाना वापस गले या मुंह में आने के कारण होते हैं, जिसे एसिड रिफ्लक्स कहते हैं। पैन एमपीएस ओरल सस्पेंशन मिंट शुगर फ्री से पेट में भोजन की गतिविधि में सुधार होता है और सीने में जलन की रोकथाम में मदद मिलती है। इसके प्रभावी होने के लिए आपको इसे ठीक वैसे लेना चाहिए जैसा आपको बताया गया हो या जैसा इसके लेबल पर लिखा हो। अब हम बात करेंगे पेट का अल्सर की। पेट का अल्सर दर्दनाक घाव होते हैं जो पेट या आंत की अंदर की लाइनिंग में विकसित होते हैं। पैन एमपीएस ओरल सस्पेंशन मिंट शुगर फ्री आपके पेट में बनने वाले एसिड की मात्रा को कम करता है, जिससे अल्सर में आगे कोई नुकसान नहीं होता है तथा यह कुदरती रूप से ठीक हो जाता है। अब हम बात करेंगे इसके साइड इफेक्ट की, जिसमें डायरिया और कब्ज है। इस दवा से होने वाले अधिकांश साइड इफेक्ट में डॉक्टर की सलाह लेने की जरूरत नहीं पड़ती है और नियमित रूप से दवा का सेवन करने से साइड इफेक्ट अपने आप समाप्त हो जाते हैं। अगर साइड इफेक्ट बने रहते हैं या लक्षण बिगड़ने लगते हैं तो अपने डॉक्टर से सलाह लें। अब हम बात करेंगे एसिडिटी रोकने के लिए कुछ स्वास्थ्य टिप्स की, जिसमें गर्म चाय, कॉफी, मसालेदार भोजन और चॉकलेट खाने से बचें। इसके बजाय ठंडा दूध और ठंडी कॉफी लें क्योंकि ये पेट में एसिड को कम करने में मदद करते हैं। शराब और धूम्रपान से बचें। देर रात या सोने से पहले खाने से बचें। इसके कारण कब्ज हो सकता है। बहुत सारा पानी पिएं और अधिक फाइबर वाला भोजन खाएं। अगर यह कम नहीं होता है या आपको परेशान करता है तो अपने डॉक्टर से बात करें। अल्सर को पूरी तरह से ठीक करने में 4 से 6 सप्ताह या उससे अधिक समय लग सकता है। पहले अपने डॉक्टर से बात किए बिना दवा लेना बंद न करें। अगर दोस्तों आपको कोई भी बीमारी या परेशानी हो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।